प्रदूषण की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते, मेरा नाम है महेश पलावा, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। इस समय बंगाल की खाड़ी एक्टिव हुई है। जैसे हमने देखा था कि मार्च के महीने में दो डिप्रेशन बने थे। पहला जो डिप्रेशन था, डीप डिप्रेशन बन गए, वो एक साइक्लोन बना था, एक तरह से माइल्ड साइक्लोन था, जिसको 1B नाम दिया गया था। और वो पहले सप्ताह में मार्च में बना था और तीसरे सप्ताह में एक और डीप डिप्रेशन बना, लेकिन जैसे प्रेडिक्ट था कि वो भारतीय जो ईस्ट कोस्ट था उसको उसने प्रभावित नहीं किया, लेकिन जो दूसरा डिप्रेशन था उसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की थी। अब 5 तारीख के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, यानी कि और उसके बाद 6 तारीख को ये लो प्रेशर एरिया बन सकता है, क्योंकि इसी इलाके में इसके प्रभाव से, साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से लो प्रेशर एरिया बनेगा। और क्योंकि इस समय सी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, यानी कि 29 से 30 डिग्री और 31 डिग्री तक समुद्री सतह के तापमान है, जो इसको और ज़्यादा इंटेंसीफाई होने में मदद कर सकते हैं। वर्टिकल विंड शेयर भी कम है इस समय, तो इसके कारण से क्या होगा कि ये जो इंटेंसिफिकेशन इसका हो सकता है और ये डिप्रेशन बन सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डिप्रेशन के रूप में इस जगह पर आ जाएगा। और ये इनिशियली ये लग रहा है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ ये बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि इस समय जितने भी मॉडल हैं सब अलग अलग दर्शा रहे हैं इसका ट्रैक। और क्या होगा कि जैसे ही ये तट के पास पहुंचेगा तो वर्टिकल विंड शेयर बढ़ना शुरू हो जाएगा और समुद्री सतह के तापमान भी घटना शुरू हो जाएंगे, तो हो सकता है कि ये इंटेंसिटी को लूज कर जाए या ये रिकर्व करना शुरू कर दे और ये उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो जाए। इसके ऊपर हम लगातार नजर रखे हुए हैं और जैसे ही इसका ट्रैक हमें पता लगेगा कि हाँ ये एक संभावित ट्रैक हो सकता है, हम आपको जरूर उसके बारे में अवगत कराएंगे। और अभी अगर दक्षिण भारत की बात जारी रखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अब बारिश की गतिविधियां आज और कल काफी ज्यादा भारी हो सकती हैं, यानी कि मूसलाधार बारिश कई इलाकों में हो सकती है और जो लहरें हैं वो ऊंची उठ सकती हैं और हवा की रफ्तार भी 40 से 50 किलोमीटर तक कुछ इलाकों में, खास करके जो दक्षिणी द्वीप है उसमें हो सकती है। 7 तारीख के बाद से इस इलाके में मौसम सुधरने लग जाएगा, क्योंकि यह वेदर सिस्टम आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ये केरल और उसके आसपास आप देखें बादलों का समूह दिखाई दे रहा है, तो केरल में अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश हो सकती है और जो कर्नाटका के अंदरूनी इलाके हैं इसमें छुटपुट बारिश की गतिविधियां या बौछारें हो सकती हैं। तेलंगाना लगभग शुष्क रहेगा, आंध्र प्रदेश शुष्क रहेगा और तटीय तमिलनाडु भी शुष्क ही बना रहेगा। अब सीधा चलते हैं हम पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की तरफ, तो उत्तर पूर्वी भारत में इस सीजन की सबसे भारी बारिश देखने को मिली है। प्री मानसून एक्टिविटी पासीघाट, नॉर्थ लखीमपुर और उसके आसपास के इलाके, तेजपुर, सोनितपुर, धुबरी, जलपाईगुड़ी, यानी कि सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में, कूचबिहार, इन इलाकों में भारी बारिश हुई है। गंगटोक वगैरह में भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, यानी कि असम, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई है और बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। और ये बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेंगी, यानी वेराइड इंटेंसिटी में होगी, कहीं पर भारी होगी कहीं पर हल्की होगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी 3-4 दिनों तक और यहां पर मौसम पूरी तरह से शुष्क नहीं होने वाला है। और अब क्या होगा कि 2-3 दिन के बाद एक बार फिर जो बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के जो मध्य जिले हैं इन इलाकों में और पूर्वी बिहार में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ज्यादातर इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके शुष्क और गर्म ही बने रहेंगे और यहां पर मौसम काफी ज्यादा गर्म रहेगा। मध्य भारत की बात करें तो विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और जो दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पर हीट वेव चल रही है और विदर्भ में 43 डिग्री से भी ऊपर तापमान पहुंच चुके हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की राहत की संभावना हमें नजर नहीं आ रही अगले 4-5 दिनों के दौरान। हालांकि ये जो एंटीसाइक्लोन के कारण, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हवाएं जो है वो इस तरह से आ रही है, यानी कि अरब सागर से नमी लेकर के ये मुंबई और उसके आसपास आ रही है, तो मुंबई और उसके आसपास जो गर्मी है वो थोड़ी सी कंट्रोल में बनी रहेगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी, 33-34 डिग्री के आसपास तापमान बने रहेंगे, यानी कि उमस तो रहेगी लेकिन गर्मी थोड़ी सी कंट्रोल में रहेगी, लेकिन मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में हीट वेव जारी रहेगी, किसी भी तरह की रिलीफ की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर भारत की तरफ अगर रुख करा जाए तो दिल्ली NCR में आज थोड़ा सा राहत है, क्योंकि हवा तेज थी और
कल भी राहत थी और आज भी हवा तेज रहेगी, तो थोड़ा सा पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और इन इलाकों में तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन कल या परसों से हवाएं कमजोर हो जाएंगी, तापमान बढ़ने लग जाएंगे और दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा और दक्षिणी जो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इन सारे इलाकों में लू का प्रकोप एक बार फिर देखने को मिलेगा। पंजाब में जो बादल तो नहीं छाएंगे, लेकिन जो तराई के इलाके हैं वहाँ बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन वो बादल जो होंगे ऊंची ऊंचाई वाले और मध्यम दर्जे के होंगे, जो बारिश नहीं देते हैं। पहाड़ों पर भी कोई वेदर सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा, पहाड़ों पर भी गर्मी बरकरार रहेगी। हिमाचल और उत्तराखंड में कई इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहाँ हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा और पहाड़ों पर भी किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ बहुत ज़्यादा कमजोर है और जो एक आध आ रहा है एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो सेंट्रल पाकिस्तान और उसके आसपास आ रहा है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा नहीं है और वो वेदर देने की यानी कि कोई मौसमी गतिविधि देने के कैपेबल नहीं है। यानी कि अगले 8 या 10 दिन ये पूरे इलाकों को गर्मी और जो लू का प्रकोप सहना पड़ेगा, मौसम शुष्क रहेगा, तेज धूप रहेगी, हालांकि बीच बीच में जब तेज हवाएं चलेंगी थोड़ी सी राहत मिल सकती है। 12-14 जो अप्रैल है उसके बाद जाकर ही कुछ प्री मानसून गतिविधियां शुरू होंगी, जिससे कि इस इलाके को कुछ राहत मिल सकती है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार अपडेट दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।